डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। ए बी सी डी ई प्ले ए गेम ऑफ कार्ड, पांच लोग हैं एक गेम खेल रहे हैं। ए ने बी से कहा, इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स यू विल हैव एज मैनी एज ई हैज। ठीक है, तो ए और बी दो लोग हैं, तो ए ने बी से कहा कि इफ यू गिव मी 3 कार्ड, तो मतलब अब ए के पास कितने हो जाएंगे, ए प्लस 3, और बी के पास कितने बचेंगे, बी माइनस 3। तो पहली कंडीशन हम नोट कर लें, फर्स्ट कंडीशन, बी के पास बचेंगे बी माइनस 3, और जितने बी के पास बचेंगे कितने हो जाएंगे, यू विल हैव एज मैनी एज ई, जितने कार्ड ई के पास हैं। तो पहली कंडीशन हो गई बी माइनस 3 इक्वल टू ई। आगे पढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन ने कहा कि एंड इफ आई गिव यू 3 कार्ड, अगर ए बी को 3 कार्ड दे दे, तो जब बी को 3 कार्ड देगा तो यू विल हैव एज मैनी एज डी हैज, तो जब बी को 3 कार्ड दे देगा तो बी के पास कितने हो जाएंगे, बी प्लस 3, तो बी प्लस 3 इक्वल टू कितने कार्ड बचेंगे इसके पास, जितने डी के पास हैं। तो इक्वेशन 2 हो गई। आगे कंडीशन क्या है कि ए एंड बी टुगेदर हैव 10 कार्ड्स मोर देन व्हाट डी एंड ई टुगेदर हैव, तो ए और बी के पास जितने कार्ड, ए और बी के पास 10 कार्ड ज़्यादा हैं डी और ई के कार्ड से। मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, 10 कार्ड ज़्यादा हैं किससे, जितने डी और ई के पास हैं। तो ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि आगे उसने बोला है, इफ बी हैज 2 कार्ड्स मोर देन व्हाट सी हैज, अगर बी के पास सी से 2 कार्ड ज़्यादा हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड भी 133, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 133 हैं, तो बी के पास सी से 2 कार्ड ज़्यादा हैं, मतलब बी इक्वल टू कितना हो गया, सी प्लस 2, चौथी कंडीशन, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 133, मतलब सबको ऐड करने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 133 हैं टोटल कार्ड। तो बस अब क्या करेंगे, पांचों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है सिंपली। तो निकालना क्या है इसमें कि हाउ मेनी कार्ड डज बी हैव, मतलब हमको बी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ इसमें, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू निकालनी है मतलब सबको सब्स्टिट्यूट करके इसमें रख देंगे, तो ए की वैल्यू बी के टर्म में, तो ए की वैल्यू बी के टर्म में निकल पा रही है नहीं, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सब की वैल्यू हम बी के टर्म में निकाल देंगे और लास्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू बी के टर्म में है, डी की वैल्यू ऑलरेडी बी के टर्म में दे रखी हुई है, बी तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लें, तो इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी माइनस 2, तो सी की वैल्यू आ गई बी के टर्म में। ठीक है, अब क्या रह गया, डी ऑलरेडी बी के टर्म में है, ई ऑलरेडी बी के टर्म में, सी भी बी के टर्म में है, ए की वैल्यू निकाल लें बी के टर्म में, तो यहाँ पर डी और ई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी कि ए प्लस बी इक्वल टू 10 प्लस डी प्लस ई, तो 10 प्लस डी की वैल्यू क्या है, बी प्लस 3, तो ये हो जाएगा बी प्लस 3, और ई की वैल्यू क्या है, बी माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस बी माइनस 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 प्लस 2b, तो ए प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं हम, 10 प्लस 2b रख सकते हैं। अब इस 5 इक्वेशन में सब वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 2b, सी की वैल्यू क्या है, बी माइनस 2, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, बी प्लस 3, हो जाएगा बी प्लस 3, और ई की वैल्यू क्या है, बी माइनस 3। सो हमने सबको बी में कन्वर्ट कर लिया, क्यों हमने सबको बी में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2b और 1b, 3b, 4b, 5b, टोटल कितने बी हैं, 5b, कांस्टेंट कितने हैं, 10 में 2 गए 8, ठीक है, तो कांस्टेंट है हमारे पास सिर्फ 8 इक्वल टू 133, इसको हम उधर ले जाएंगे 133 में से, सो 133 में से 8 माइनस होगा, तो कितना बचेगा ये 125, सो 5b इक्वल टू हो जाएगा 125, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, तो हमको सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी। डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।